गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू बात कर रहे थे नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की। और नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है लाइन, एक होता है साइन, मीन्स लॉन्ग इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट, और सेकेंड क्या था, शॉर्ट इंटरफेस न्यूक्लियर एलिमेंट। तो लाइन और साइन, लाइन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट, और साइन को हम बोलते हैं शॉर्ट इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट। तो टू टाइप्स के नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स थे। तो सबसे पहले नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स में हम बात कर रहे थे लाइन की। किसकी बात कर रहे थे, लाइन की, मींस लॉन्ग इंटरस्पेस न्यूक्लियर एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हम, लाइन की, लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हम लाइन की। तो लाइन मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या रखते हैं, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं रखते हैं, ये क्या रखते हैं, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। मींस जीनोम में कुछ कुछ टाइम के बाद इनके क्या मिलेंगे, हमें रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे। बार बार हमें क्या मिलेंगे, इनके रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो लाइन होता है वो क्या रखता है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं रखता, ये क्या रखता है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। कौन, लाइन। और इसके पास क्या होते हैं कि ये पूरे जीनोम में क्या रहते हैं, फैले रहते हैं, ये डिस्पर्स रहते हैं पूरे जीनोम में। जो लाइन होते हैं ये डिस्पर्स मींस पूरे जीनोम में क्या रहते हैं, ये फैले हुए रहते हैं, मींस ये क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं किसमें, जीनोम में। और ये कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, यू क्रोमेटिन रीजन में। ये जो लाइन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यू क्रोमेटिन रीजन के, क्रोमोजोम के यू क्रोमेटिन रीजन में क्या रहते हैं, ये प्रेजेंट रहते हैं। और यू क्रोमेटिन रीजन जो स्टूडेंट होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव होता है, मीन्स उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि वहां पे क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा, मीन्स एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो डीएनए से क्या बनेगा, वहां पे आरएनए चेन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी, और वहां पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो लाइन होते हैं ये कहां मिलेंगे हमें, यू क्रोमेटिन रीजन पे। और यू क्रोमेटिन रीजन क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और यू क्रोमेटिन रीजन में भी ये कहां मिलेंगे, एटी रिच सीक्वेंस पे, एटी रिच सीक्वेंस पे प्रेजेंट होंगे। कौन, लाइन, एटी रिच सीक्वेंस पे क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। और इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। ये जो लाइन है इसका जो नेचर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। और इसका जो साइज होता है, जो लाइन का साइज होगा वो क्या होता है, 6 to 7 किलो बेस पेयर। ये जो साइज होता है लाइन का वो कितना होगा, 6 to 7 किलो बेस पेयर क्या होगा, लॉन्ग होगा। और इनकी कॉपी नंबर क्या होगा, कॉपी नंबर अप्रोक्सीमेटली इसका कितना होता है, 5 lakhs कॉपी नंबर प्रेजेंट होता है किसका, लाइन का। क्या होगा, 5 lakhs कॉपी नंबर किसका होता है प्रेजेंट, लाइन का। लाइन की कॉपी नंबर होगी वो क्या होगी, 5 lakh के आसपास। साइज होगा इसका 6 to 7 किलो बेस पेयर के आसपास। और ये क्या होते हैं, मोस्टली ये जनरली क्या रहेंगे, लाइन इनएक्टिव रहेंगे, मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। ये जो लाइन होते हैं ये मोस्टली कौन सी फॉर्म में रहेंगे, हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन, लाइन। तो लाइन कहां कैसे प्रेजेंट होंगे, ये मोस्टली इनएक्टिव फॉर्म में क्या रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि जो लाइन का अगर एग्जाम्पल होता है तो एग्जाम्पल क्या होगा, L1 इन ह्यूमंस, L1 इन ह्यूमंस, ह्यूमन में L1 क्या होगा, लाइन प्रेजेंट होगा। तो L1 इन ह्यूमंस जो एग्जाम्पल है वो क्या है, L1 इन ह्यूमंस। तो जो L1 है, जो लाइन है वो L1 प्रेजेंट होगा किसमें, ह्यूमंस के केस में, ठीक है। तो L1 इन ह्यूमंस एग्जाम्पल है किसका, लाइन का। और जो लाइन होते हैं ये हाईली एक्यूमुलेटेड रहते हैं, ये जो लाइन होते हैं ये हाईली एक्यूमुलेटेड इन सेक्स क्रोमोजोम में, ये हाईली एक्यूमुलेटेड रहते हैं सेक्स क्रोमोजोम में। और एज कंपेयर टू ऑटोजोम। तो एक तो क्या होता है, ऑटोजोम होता है, एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम एक्स और वाई। तो ये जो लाइन होते हैं ये हाईली एक्यूमुलेटेड रहते हैं, कहां प्रेजेंट रहेंगे, ये सेक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट रहते हैं, हाईली प्रेजेंट रहेंगे, हाईली एक्यूमुलेटेड रहेंगे, हाईली डिपोजिट रहेंगे किसमें, सेक्स क्रोमोजोम में। जो लाइन होंगे वो हाईली डिपोजिटेड रहेंगे या हाईली एक्यूमुलेटेड रहेंगे किसमें, सेक्स क्रोमोजोम में क्या रहते हैं, ये हाईली प्रेजेंट रहेंगे। ये भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो लाइन हमें कहां मिलेगा, हाईली किसमें, इन सेक्स क्रोमोजोम में, ऑटोजोम में, एज कंपेयर टू ऑटोजोम।
मींस ऑटोसोम में मिलेगा, इन्होंने मना नहीं किया कि ऑटोसोम में नहीं मिलेगा, ऑटोसोम में भी लाइन मिलेगा, लेकिन ऑटोसोम के कंपेरिजन में ये सेक्स क्रोमोसोम में क्या रहता है, ज्यादा रहता है कौन, लाइन। तो ऑटोसोम में क्या रहता है, ये कम अमाउंट में क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट तो रहेगा, ऑटोसोम में भी प्रेजेंट रहेगा लाइन, लेकिन कम अमाउंट में लाइन प्रेजेंट रहेगा किसमें, ऑटोसोम में। तो ऑटोसोम के कंपेरिजन में ये ज्यादा प्रेजेंट होता है किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में, किसमें प्रेजेंट होगा, सेक्स क्रोमोसोम में। तो जो लाइन होगा उसका हाईली एक्युमुलेशन होता है किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में, और ऑटोसोम में भी होता है, लेकिन ऑटोसोम में ये कम अमाउंट में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और जो लाइन होता है ये टोटल जीनोम का कितना होता है, 17% होता है, ये 17% होता है ऑफ टोटल जीनोम का, ये जो लाइन होता है इसका जो अमाउंट होता है वो 17% होता है टोटल जीनोम का। अगर मान लो 100% पूरा जीनोम है तो पूरा ये जो लाइन होगा ये कितना परसेंट रहेगा, 17% परसेंट रहेगा किसका, टोटल जीनोम का, कौन, लाइन। तो लाइन क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, 6 to 7 किलो बेस पेयर के आसपास इसका साइज होता है। कॉपी नंबर इसका क्या होता है, 5 लाख के आसपास होता है। मोस्टली ये क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लाइन एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और ये कहां प्रेजेंट होगा, यू क्रोमेटिन रीजन में, मींस ट्रांसक्रिप्शनली जहां पे एक्टिव फॉर्म है, एटीवी सीक्वेंस है, वहां पे प्रेजेंट रहेगा कौन, लाइन। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है L1 इन ह्यूमंस, और इसका जो नेचर होगा वो क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, और ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, कौन, लाइन। और ये कहां प्रेजेंट होंगे, मेनली ये प्रेजेंट रहते हैं कहां पे, सेक्स क्रोमोसोम में, ऑटोसोम में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑटोसोम के कंपैरिजन में ये सेक्स क्रोमोसोम में क्या होते हैं, हाई अमाउंट में क्या रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। और पूरे जीनोम का ये 17% होते हैं, कौन, लाइन। पूरे जीनोम का 17% जो होंगे वो क्या रहेंगे, लाइन रहेंगे। तो ये सबसे पहला नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स था, लॉन्ग इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। अब सेकंड की अगर हम बात करेंगे, साइन की बात करेंगे, शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, ये भी क्या है, इज ए नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। तो सेकंड हम बात करते हैं साइन की, सेकंड हम बात करेंगे साइन की। तो साइन क्या है, शॉर्ट इंटरस्पिस्ट इंटरस्पिस्ट न्यूक्लियर एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन। ये भी क्या है, इज ए नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, इज ए नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। तो साइन भी किसका पार्ट है, नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स का, क्योंकि नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स के मैंने 2 टाइप्स बताए, एक लाइन, सेकंड क्या है, साइन। तो मैं बोल सकता हूं साइन क्या है, इज ए नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। और जो साइन होता है वो क्या होता है, इनके पास भी ये भी क्या होता है, हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंस। लाइन भी हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंस था और साइन भी हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंसेज होते हैं, इसके पास भी क्या होंगे, हाईली रिपीटेटिव सिक्वेंसेज। तो भाई लाइन के पास भी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस थे और साइन के पास भी क्या रहते हैं, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। मींस पूरे जीनोम में जब ये इनका रिपीटेशन होता है सीक्वेंसेस का, तो ये हमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या मिलेंगे, उनका सीक्वेंस हमें मिलता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो लाइन में भी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट थे और साइन में भी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये टाइप होता है किसका, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का। और भाई लाइन मैंने आपको कितना बताया था कि 17% होता है पूरे टोटल जीनोम का, 17% लाइन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं टोटल जीनोम का। और ये जो साइन होता है ये अबाउट होता है पूरे जीनोम का 10%, पूरे जीनोम का क्या होगा, अबाउट 10% ऑफ टोटल जीनोम। तो ये टोटल जीनोम का लगभग 10% पार्ट क्या होगा, साइन। भाई 17% तो क्या है, लाइन प्रेजेंट है पूरे टोटल जीनोम का, और पूरे टोटल जीनोम का 10% क्या है, साइन प्रेजेंट है। शॉर्ट इंटरस्पेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, 10%, जितना टोटल जीनोम होगा उसका 10% क्या होगा, वहां पे साइन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये क्या है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है। और इनका जो नेचर होता है, थोड़ा कंपैरिजन करके ध्यान करना कि वहां पे क्या था, 17% था ये टोटल जीनोम का, वहां पे भी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस था लाइन में भी, और यहां पे भी साइन में भी क्या है, हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, और दोनों क्या है, नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, चाहे लाइन की बात करें चाहे साइन की बात करें। और लाइन क्या था, 17% था टोटल जीनोम का, और साइन क्या है, 10% है टोटल जीनोम का। और लाइन की मैंने बात की थी, तो लाइन का जो नेचर था वो क्या था, ऑटोनोमस, लेकिन साइन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉन ऑटोनोमस नेचर, नॉन ऑटोनोमस नेचर। ये नॉन ऑटोनोमस नेचर क्या होते हैं,
भाई लाइन क्या था? ऑटोनोमस नेचर का था, लेकिन जो साइन होता है वो क्या होता है? नॉन ऑटोनोमस नेचर के, दे आर नॉन ऑटोनोमस। तो ये क्या है? नॉन ऑटोनोमस नेचर का होगा कौन? साइन। नॉन ऑटोनोमस नेचर का मतलब क्या है कि इनको क्या रहेगा कि एक जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किसी प्रोटीन या मीडिएटर की क्या होगी? रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये क्या है? नॉन ऑटोनोमस नेचर का। और भाई लाइन भी क्या था? पूरे जीनोम में डिस्पर्स था, फैला हुआ था। तो साइन भी पूरे जीनोम में क्या रहता है? डिस्पर्स रहता है। ये भी पूरे जीनोम में क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। कौन? साइन। तो साइन भी क्या होगा? डिस्पर्स होगा। और लाइन भी क्या था? पूरे जीनोम में फैला हुआ था। और इनका जो होता है ये कितने, इनका जो साइज होगा ये होगा लगभग साइन का 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग। इनका जो साइज होगा वो होगा 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग। किसका होगा साइज? होगा किसका? साइन का। तो साइन जिसको बोलते हैं शॉर्ट इंटरस्प्लिट न्यूक्लियर एलिमेंट्स। इनका थोड़ा कंपेरिजन करना आप लाइन और साइन का, तो लाइन और साइन दोनों क्या है? इज ए नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। दोनों किसके टाइप है? नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स के, चाहे मैं लाइन की बात करूं चाहे मैं साइन की बात करूं। और क्या होगा? दोनों के पास क्या प्रेजेंट होगा? हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या प्रेजेंट होंगे? हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, चाहे लाइन की बात करें चाहे हम साइन की बात करें। और जो लाइन होगा वो तो पूरे जीनोम का 17% प्रेजेंट था टोटल जीनोम का, और साइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये अबाउट 10% प्रेजेंट होता है किसका? टोटल जीनोम का। कितना परसेंट होगा? 10% ऑफ टोटल जीनोम का। और जो लाइन था उसका जो नेचर था वो क्या था? ऑटोनोमस था नेचर। लेकिन जो साइन की अगर मैं बात करता हूं तो साइन का जो नेचर है वो स्टूडेंट क्या होता है? नॉन ऑटोनोमस क्या होता है? नेचर होता है किसका? साइन का। भाई ऑटोनोमस होगा तो उसको क्या होगा? किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर नॉन ऑटोनोमस तो उसको क्या रहेगी? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और लाइन और साइन दोनों क्या रहते हैं? डिस्पर्स रहते हैं। मींस डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि पूरे जीनोम में ये क्या हो रहते हैं? फैले हुए रहते हैं। डिस्पर्स रहते हैं मींस पूरे जीनोम में क्या रहेंगे? फैले हुए रहेंगे, चाहे मैं लाइन की बात करूं चाहे मैं साइन की बात करूं। और इनका जो साइज होता है, भाई लाइन का साइज कितना था? 6 to 7 बेस पेयर लॉन्ग साइज था किसका? लाइन का। लेकिन जो साइन है उसका साइज होता भी होता है 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग। क्या होता है इसका साइज? होता है किसका? साइन का, शॉर्ट इंटरस्प्लिट न्यूक्लियर एलिमेंट्स का। और इनकी जो कॉपीज होती है, ये ध्यान रखना, इनकी जो कॉपीज होगी वो क्या होगी? अबाउट 10 lakhs। जो साइन है इसकी जो कॉपीज होगी वो होगी कॉपीज अबाउट 10 lakhs। उसकी जो कॉपीज कितनी थी? 5 lakhs। जो लाइन की अगर मैं बात कर रहा था तो लाइन की कॉपीज कितनी प्रेजेंट थी? 5 lakhs। तो इसकी दुगुनी कॉपीज प्रेजेंट है। कितनी है इसकी साइन की? 10 lakhs। तो साइन की कॉपीज जो होती है वो प्रेजेंट रहती है अबाउट 10 lakhs, और लाइन की जो कॉपीज थी वो कितनी थी? 5 lakhs। तो मींस क्या है मतलब कि साइन की जो अमाउंट है वो ज्यादा है किससे? लाइन से। मींस दुगुना है। वहां लाइन में क्या था? 5 lakhs कॉपी प्रेजेंट थी किसकी? लाइन की। और साइन की प्रेजेंट है कॉपीज अबाउट 10 lakhs। तो 10 lakhs कॉपीज प्रेजेंट होती है किसकी? साइन की। तो ऐसे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि डिफरेंस क्या होता है लाइन और साइन में, और दोनों क्या है? इज ए नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। तो इसकी जो कॉपीज होगी वो 10 lakhs कॉपीज होगी किसकी? साइंस की। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल की मैंने बात की थी लाइन में, तो लाइन में क्या था? L1 इन ह्यूमन के केस में प्रेजेंट था। और मैं एग्जांपल की अगर बात करता हूं साइन के, तो साइन के अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं तो क्या होता है? Lu एलिमेंट इन ह्यूमंस। एग्जांपल की बात करता हूं साइन के, तो एलिमेंट्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में Lu एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है। और सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड एग्जांपल भी क्या होता है? B1 एलिमेंट इन माउस। B1 एलिमेंट इन माउस। तो ये 2 एग्जांपल्स होते हैं किसके? साइन के। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपको एग्जांपल दे देंगे कि Lu एलिमेंट प्रेजेंट होता है किसमें? लाइन, साइन, रेट्रोट्रांसपोजोन्स, और 2-4 और ऑप्शन दे देंगे वो। तो आप क्या बोलोगे कि Lu एलिमेंट्स क्या है? Lu एलिमेंट्स इन ह्यूमंस में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? साइन। और B1 एलिमेंट जो माउस में प्रेजेंट होता है वो क्या है? साइन। और L1 जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन के केस में वो क्या है? लाइन। तो एग्जांपल के बेसिस से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि Lu साइन क्या है, Lu एलिमेंट्स है या फिर L1 एलिमेंट्स है या L2 एलिमेंट्स है या L4 एलिमेंट्स है।
तो आप क्या बोलोगे कि एलयू एलिमेंट्स क्या है, साइन है। तो एग्जांपल क्या होंगे साइन के, एलयू एलिमेंट्स इन ह्यूमंस और बी1 एलिमेंट्स इन माउस। तो ये ऑल अबाउट किसका है, साइन का। साइन भी क्या है, इज ए नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स है। इसकी जो कॉपीज होगी वो 10 लाख के आसपास कॉपीज प्रेजेंट होती है। ये हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है कौन, साइन। और ये टोटल जीनोम का कितना होता है, 10% होता है अबाउट टोटल जीनोम का। इनका जो नॉन जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉन ऑटोनोमस होता है। और ये पूरे जीनोम में क्या रहता है, डिस्पर्स रहता है, मीन्स फैले हुए रहते हैं। और इनका जो साइज होता है वो होता है 100 to 400 बेस पेयर लॉन्ग होता है। किसका साइज, साइन का। और ये एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, एलयू एलिमेंट्स इन ह्यूमंस और बी1 एलिमेंट इन माउस। तो ये एग्जाम्पल है किसके, साइन के। और ये टोटल ऑल अबाउट नॉन वायरल रेट्रोट्रांसपोजोन्स। थैंक यू।